ज बिन स्टेड सो इसके पहले की आप पार्टिसिपेट करें फर्स्ट ऑफ ऑल गो थ्रू ऑल इंस्ट्रक्शन क्योंकि अभी भी आपके पास वक्त है टू डिसड किस पर्टिकुलर कॉलेज में कितनी सीट वैकेंट है एंड दे आफ्टर क्या हमारे चांसेस बनते हैं सो वॉच दिस पर्टिकुलर वीडियो टिल द एंड यहाँ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी है फॉर कैंडिडेट्स एंड फॉर इंस्टीट्यूट विद रिस्पेक्ट टू द इंस्टीट्यूशनल राउंड इंस्टीट्यूशनल राउंड का मतलब होता है कि कॉलेज मेरिट लिस्ट डिसाइड करेगी और अकॉर्डिंग टू मेरिट यू हैव टू विजिट योर रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट एंड यू हैव टू टेक एडमिशन देरगा इस दिस विल बी द लास्ट प्रोसेस और इसके बाद आपको एडमिशन कहीं नहीं मिलने वाला ओके सो केयरफुल इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें एंड या बिफोर मूविंग फर्दर इफ यू न रिपीट इन टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री अगर मार्क्स कम है एंड या yeah, If you want a preparation for all other entrance exams too, then you can start preparation with us. We have started the batches, you will get all these features: the mentorship, complete motivation, thoroughly cognitive effects, and complete guidance about the cap round. So you can join our classroom coaching at Mumbai. Call on a respective number and wanna interact live with us, then call on 8828 or you can visit our website manueladu.com/slash law entrance. First of all, my friends come to the official website or you have the exact application form filling editing.

ठीक है कॉलेज अपनी वेबसाइट पर वैकेंसी रिपोर्ट अपडेट करती है आपको पोर्टल पे भी मिल रहा है एंड दिस विल बी द लास्ट ओके सो ऑल एक एप सीट्स अवेलेबल फॉर एडमिशन इन राउंड थ्री इंस्टीट्यूशनल राउंड विल बी फिल्ड इन थ्रू द सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट ओके एक मेरिट लिस्ट तैयार होगी और मेरिट लिस्ट में आपका नाम होगा देन आपको वहां जाकर एडमिशन ले लेना है द अनहैंडेड कॉलेज इंस्टीट्यूट डिपार्टमेंट वो हैव नॉट सरेंडर द इंस्टीट्यूशनल लेवल कोटा टू सिटी सेल विल बी एबल टू फिल द मैनेजमेंट कोटा सीट्स हर एक इंस्टीट्यूट में मैनेजमेंट कोटा सीट्स भी होती है और एक ऐप सीट्स भी होगी सो so, क्या फिलप हो जाएगी और मैनेजमेंट कोटा थ्रू सीट्स आप बात कर सकते हो उन रिस्पेक्टिव से कि मुझे एडमिशन लेना है सो मैनेजमेंट कोटा थ्रू मेरा एडमिशन होगा देन आप वहां बात करके एडमिशन ले सकते हो कैंडिडेट विल व्यू द वैकेंसी पोजिशन इन ईच कॉलेज ऑन द पोर्टल आप देख सकते हो वैकेंसी रिपोर्ट और कैसे चेक करनी है सो so, यहाँ देख सकते हो आप करंट वैकेंसी रिपोर्ट और वैकेंसी रिपोर्ट में यहाँ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी पर्टिकुलर कॉलेज और उनकी वैकेंसी रिपोर्ट तो यहां पता चल रहा है कि महाराष्ट्र स्टेट को लेकर ओनली टू सीट्स एनआरआई को लेकर फाइव सीट्स स्टिल वैकेंट सो एनआरआई की जो सीट्स सीट्स है 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 ये ओएमएस कैंडिडेट को जा सकती है क्योंकि ओके फाइव टू सेवन हो जाएगी और रिस्पेक्टिव कैटेगरी वाइज ये सीट्स है सपोज अब यहाँ महाराष्ट्र स्टेट को लेकर ले वैकेंसी है ओनली टू ओके और कैंडिडेट्स ट्राई कर रहे हैं टू और आपका मेरिट में रैंक है फिफ्टी तो क्या आपके चांसेस है नहीं, ओके, okay? चांस होना चाहिए आपका आफ, मेरिट में आप होने फोर्थ पे या फिफ्थ पे इन केस कोई कैंडिडेट नहीं जाते है, तो फिर आपका इंस्टीट्यूट लेवल राउंड okay? और इसको लेकर इन डिटेल मैंने वीडियो बनाई है so, आप वो देख सकते हो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कैंडिडेट विल गिव चॉइसेस टू द कॉलेजेस ऑफ देयर चॉइस ओके चॉइस के हिसाब से कॉलेजेस दे सकते हो कैंडिडेट विल गिव द कॉलेज

In राउंड वन या राउंड टू का एडमिशन कैंसिल किया और इंस्टीट्यूशनल लेवल राउंड पर ट्राई किया और यहां आपको कोई सीट नहीं मिली तो वो आपकी जो पहले वाली सीट है वो भी कैंसिल हो जाएगी सो so, इसलिए मैं कहता हूँ कि राउंड टू में अगर अच्छी खासी सीट मिली है पार्टिसिपेट मत करोगे एडमिशन ले लो वही राइट right?

करती है और डॉक्यूमेंट्स में कुछ मिस्टेक होती है मिसमैच होता है लिस्ट कैंडिडेट रिस्पेक्ट ऑफ स्कोर सो यहां आप सबसे नीचे आ जाओगे अगर आप डायरेक्ट थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हो सो चांसेस बहुत कम है सो मैनेजमेंट कोटा थ्रू सीट्स के लिए आप ट्राई कर सकते हो एडिटिंग द कैप एप्लीकेशन फॉर्म एंड एंड गिविंग कॉलेज सो

एक पर्टिकुलर कॉलेज की मेरिट लिस्ट में आप टेंथ पर आ रहे हो तो किसी पर्टिकुलर कॉलेज की मेरिट लिस्ट में आप फिफ्थ पर आ रहे हो सो so, यहाँ एडमिशन अगर नहीं बनता तो यहाँ तो चांसेस आपके होंगे ही ओके okay? सो so, इस बात का आपको ध्यान रखना है द आफ्टर अंडरटेकिंग टू बी एक्सेप्टेड बाय द कैंडिडेट्स अगर आप एडिट वगैरह करते हो तो आपको बस एक एक अंडरटेकिंग रहेगा जिसे आपको एक्सेप्ट करना रहेगा वो लास्ट में जब आप कंफर्म एप्लीकेशन करते हो तो होता है जैसे आप अगर कोई भी एडिट नहीं कर रहे हो तो आई हैव वेरीफाइड माय एप्लीकेशन फॉर्म केयरफुली मैंने चेक कर लिया है सब कुछ सारी डिटेल्स करेक्ट है अगर आप वॉन्ट टू अगर आप एडिट करना चाहते हो देन आपको इस अंडरटेकिंग पर एक्सेप्ट करना होगा ओके इसका मतलब ये है कि देखो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है अगर एडमिशन कैंसिल भी हो जाता है तो कॉलेज में कोई गलती कॉलेज कोई गलती नहीं रहेगी ये बात आपको ध्यान में रखना है कुछ गाइडलाइंस है ये सारी गो थ्रू कर लो गाइस ओके कौन सी सीट किसको मिलेगी अगर वैकेंसी होती है पर्टिकुलर कॉलेज में विद रिस्पेक्ट टू एम एस एंड ओ एम एस उनके अकॉर्डिंग उनको एडमिशन मिलेगा इफ देर इज वैकेंसी इन कैटेगरी दीट टू द सीट टू दी सेम कैटेगरी ओके एंड कैंडिडेट एज पर सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट एससी कैटेगरी की सीट है, वैकेंट है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो एससी को ही मिलेगी ओके सो सेम कैटेगरी तो सेम कैटेगरी के कैंडिडेट को मिलेगी अदरवाइज

हाउ टू फील वैकेंट कोटा फॉर ओ एम एस सीट्स इन गवर्नमेंट एडेड अनएडेड इंस्टीट्यूट ओ एम एस के कैंडिडेट अगर नहीं मिले तो महाराष्ट्र के होंगे महाराष्ट्र के नहीं हुए तो ओ एम एस के होंगे वैसे ही माइनॉरिटी का भी आप देख सकते हो कि अगर सीट वैकेंट होती है माइनॉरिटी कोटा माइनॉरिटी कोटा को लेकर ओके देन फर्स्ट ऑफ ऑल माइनॉरिटी कैंडिडेट और फिर भी सीट अगर वैकेंट होती है देन महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट और फिर भी वैकेंट होती है देन ऑल इंडिया कैंडिडेट ओके सो ये रहा माइनॉरिटी सीट को लेकर रेस्ट इफ यू हैव रिस्पेक्ट टू डॉक्यूमेंट्स विद यू देन देस इसे कैरी करना भूलना नहीं है जब आप एडमिशन लेने जाओगे और अभी अपलोड करना भी नहीं भूलना है ओके सो so, अभी सब कुछ आप एडिट कर सकते हो ये बात आप ध्यान में रख लो सारी सारे सारी इंस्ट्रक्शंस गो थ्रू कर लो एंड नाउ कैसे करना है न्यू कैंडिडेट हो दिन यू कैन रजिस्टर ओवर गई इसको लेकर इन डिटेल मैंने वीडियो बनाई है और जो पार्टिसिपेट कर चुके हैं बस लॉग करना है नाउ डॉक्यूमेंट हैविंग पार्शली वेरीफाइड सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे कि ये जो डॉक्यूमेंट्स है इनको हम अपलोड कर लेंगे एंड आफ्टर यहाँ कुछ डॉक्यूमेंट्स मुझे अपलोड करने हैं

सर्च कॉलेजेस अब ये जो भी कॉलेजेस है रेस्पेक्टिव कॉलेजेस मैक्सिमम कॉलेजेस आपको सेलेक्ट करनी है so यहाँ कोई नहीं बनेगी कि फर्स्ट प्रेफरेंस आपका क्या होगा या सेकंड प्रेफरेंस क्या होगा यहाँ कोई अलॉटमेंट नहीं होगा बस आपको सिर्फ कॉलेजेस सेलेक्ट करनी है सारे कॉलेजेस सेलेक्ट कर ली देन आफ्टर कम टू हर एड सेलेक्टेड एडेड अब आपको चाहिए कि कुछ यूनिवर्सिटी अलग सेलेक्ट करे देन यू कैन चूज अनदर यूनिवर्सिटी टू सर्च कॉलेजेस उनकी रिस्पेक्टिव कॉलेजेस सर्च कर लो

अगर वेरीफाइड है सारे डॉक्यूमेंट्स और फिर भी आप चाहते हो कुछ एडिट करना एप्लीकेशन फॉर्म अनलॉक एप्लीकेशन फॉर्म पर जाओ और उसे एडिट कर सकते हो ओके दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स एंड क्वेरीज इन योर माइंड देन यू कैन मी इन द कमेंट सेक्शन फॉर एग्जाम अपडेट्स एंड फॉलो फॉर सोशल मीडिया फेसबुक इंस्टा एंड टेलीग्राम ग्रुप ऑल द नेक्स्ट वीडियो